अब की बार 140 के पार, बीपीएससी पीटी में अब की बार 140 के पार। चलिए हम लोग टेस्ट 9 सेक्शन सी कर रहे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले देखिए, ये नील नदी है जो अपने बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं, ये नील नदी है और ये है हीरोडोटस। अब हीरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार थे, हीरोडोटस वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन, एंड ही सेड दैट इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल, नील नदी का उपहार है आज का मिस्र, या मिस्र जो है वो नील नदी का उपहार है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट नाइल रिवर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हेन मैन फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ, जब मानव जाति पहली बार पृथ्वी पे वो प्रकट हुए, तो अपने आजू बाजू पर्यावरण को देखना चालू किए, खाद्य के लिए, खाद्य संग्रह करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए, दे यूज टू हंट, दे यूज टू गैदर एंड कलेक्ट फूड, जिसको कि हम लोग स्टोन एज या पाषाण युग कहते हैं, आप टेस्ट सीरीज में पढ़े भी होंगे। और एक स्टेज आता है जिसको कि हम लोग नव पाषाण युग और न्यू स्टोन एज कहते हैं, और नव पाषाण युग और न्यू स्टोन एज को हम लोग नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं, नव पाषाण क्रांति कहते हैं। नव पाषाण क्रांति इसलिए कहते हैं कि पहली बार मानव जाति पर्यावरण का उपयोग करके कृषि कार्य चालू करते हैं, और कृषि कार्य चालू करने से वो एक जगह स्थिर हो जाते हैं, एक घर का कॉन्सेप्ट आता है। सो वी कॉल दिस नियोलिथिक एज अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑन वन हैंड देवर हंटर्स एंड गैदरर्स ऑफ फूड, एंड नाउ दे हैव सेटल्ड बिकॉज दे हैव स्टार्टेड कल्टिवेशन, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउसेस कम। और इसी तरह नियोलिथिक या नवपाषाण क्रांति, नियोलिथिक रेवोल्यूशन के बाद एक और क्रांति आता है, और वो आता है मेटल एज रेवोल्यूशन, धातुओं की क्रांति। कहने का मतलब है कि मानव जाति अब धातु के उपयोग के बारे में इनको मालूम चलता है। अब देखिए कि यह नदी है, यह नील नदी का एग्जाम्पल लिए हैं, यह नदी है और यहां पे प्राकृतिक रूप से जंगल, वन, वनस्पति होना चालू हो गया। यदि आपको खेती करना है तो इस जगह को साफ करना होगा, तभी आप फसल बो सकते हैं। मींस यू नीड टू क्लियर द नेचुरल फॉरेस्ट, द वेजिटेशन, द जंगल इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स ऑफ योर चॉइस। और इसके लिए आपको कुल्हाड़ी चाहिए, धातु का कुल्हाड़ी चाहिए। यू नीड एन एक्स टू क्लियर द जंगल, क्योंकि ये नदी किनारे जो जमीन होता है वो फर्टाइल होता है, ये भूमि बहुत उर्वरक होता है, द लैंड्स आर फर्टाइल ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। एंड करीब 4000 ईसा पूर्व, 4000 BC, द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड अस न्यू रेवोल्यूशन, एंड दैट इज नोन एज मेटल एज रेवोल्यूशन, धातु युग की क्रांति। आप जो हैं कुल्हाड़ी के माध्यम से कृषि कार्य
जंगल को काट रहे हैं, भूमि को कृषि उपयुक्त भूमि बना रहे हैं, मींस विद द हेल्प ऑफ मेटल यू आर क्लियरिंग द जंगल एंड विद द हेल्प ऑफ द मेटल्स यू आर मेकिंग द लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और ये कभी करीब 4000 BC के करीब ये हुआ, 4000 ईसा पूर्व के समय। एंड दिस एरा इज नोन एज रिवर वैली सिविलाइजेशन, नदी घाटी सभ्यता। अब देखिए, आप BPSC के स्टूडेंट हैं, ये तो बातें करने की जरूरत है नहीं कि पढ़ेंगे तो होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। अपने में एकेडमिक आउटलुक लाइए, इंटेलेक्चुअलिटी लाइए। अब आप जो भी पढ़े उसको कंपैरिजन कीजिए। हम लोग बीपीएससी हिस्ट्री में पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, बट वी डोंट कंपेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यदि आप कंपेयर करेंगे, यू विल फाइंड दैट बाय अबाउट 4000 BC दैट वी कॉल रिवर एज सिविलाइजेशन, चार बड़ी बड़ी सभ्यता नदी किनारे विकसित हुई, जिसमें भारत का सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया का टिग्रीस यूफ्रेट सिविलाइजेशन, इजिप्ट का मिश्र नाइल वैली सिविलाइजेशन और चाइना का हावांग हो सिविलाइजेशन या येलो रिवर सिविलाइजेशन। ये जो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, इट इज एन अर्बन सिविलाइजेशन। एंड हाउ कम दिस सिविलाइजेशन बिकेम एन अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी सभ्यता हम लोग क्यों बोलते हैं? वो इसलिए कि दिस ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, ये कास युग सभ्यता जो है, इस समय धातु का प्रयोग होता था। इस मेटल से आप कृषि कार्य करने लगे, विलेजेस वे एस्टैब्लिश्ड, विलेजेस वे सेटल्ड, गांव की स्थापना हुई और गांव में खेती के माध्यम से इतना आपका अनाज का उत्पादन होने लगा, यू स्टार्टेड हैविंग सरप्लस प्रोडक्शन। और यही सरप्लस प्रोडक्शन के कारण व्यापार चालू हुआ, ट्रेड चालू हुआ, यानी समाज में वैसे लोग रहने लगे, सोसाइटी में वैसे लोग रहने लगे जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से खेती एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है। वो लोग शहर में रहने लगे, उनका व्यवसाय प्रोफेशन दूसरा होने लगा, वो लोग कृषि कार्य के जगह ट्रेड करते थे, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में करते थे, मेटलर्जी करते थे, शिप बिल्डिंग करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो जब भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ें, उसको कंपैरेटिव पढ़ें। और इसी मकसद से यह टेस्ट 9 सेक्शन सी दिया गया है, और इसमें हम लोग नील घाटी सभ्यता, नाइल सिविलाइजेशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वेल प्रिजर्व्ड ह्यूमन बॉडीज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच सिविलाइजेशन? आंसर इज सी, नील वैली सिविलाइजेशन। अच्छी तरह से संरक्षित मानव निकाय किस सभ्यता की विशेषता है? नील नदी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है सी। चलिए जरा डिस्कशन देखते हैं। याद रखिएगा, हम लोग जो सभ्यता की बात कर रहे हैं, जो सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कास युग सभ्यता। और पूरे विश्व में देयर फोर मेजर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस।
वी हैव फोर मेजर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द ड्यूरेशन द पीरियड ऑन एन एवरेज इज बिटवीन 5000 BC एंड 500 BC. इनका जो औसत युग का जो काल है वो है 5000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक. कौन कौन है? नंबर वन पे है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं. नंबर टू पे है टिग्रीस यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, यानी आज का आधुनिक इराक या टिग्रीस यूफ्रेट्स सभ्यता मेसोपोटामिया का. तीसरा है नील वैली सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, मिस्र का नील घाटी सभ्यता. और चौथा है चीन का, चाइना का वांग हो और द येलो रिवर सिविलाइजेशन. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नील वैली सिविलाइजेशन का, जो कि इजिप्ट में है, मिस्र से एसोसिएटेड है. तो नील वैली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट या मिस्र का नील घाटी सभ्यता. ये जो नील घाटी सभ्यता है, जो हम लोग ब्रॉन्ज एज का चार सिविलाइजेशन देखे, चार सभ्यता देखे, नील घाटी सभ्यता या नील रिवर वैली सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट. नील सिविलाइजेशन या नील घाटी सभ्यता सबसे पुराना है, इट इज द ओल्डेस्ट, नंबर वन. नंबर टू, आर्कियोलॉजी से, पुरातत्व खुदाई से हम लोग को पिरामिड मिला है इस सभ्यता में. पिरामिड देखिए, यह पिरामिड हम लोग को, ये रहस्यमय स्फिंक्स मिला है, मिस्टीरियस स्फिंक्स. हम लोग को मंदिरों का अवशेष मिला है, और इस तरह से मानव शरीर को संरक्षित रखकर ये है आपका ममी. दे आर वेल प्रिजर्व्ड ह्यूमन बॉडीज, मीन्स जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित करके इस तरह से कॉफिन में रखना, इसी को हम लोग ममी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, विच प्लेस इज नोन एज द डॉटर ऑफ नील, किस स्थान को नील की बेटी के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है इजिप्ट, हिंदी में आंसर है मिस्र. 17 का सही ऑप्शन है ए, 17 का सही ऑप्शन है ए. जो यूनानी हिस्टोरियन थे, द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, ये नील को बोले, ये आपको इजिप्ट को बोले हैं गिफ्ट ऑफ नील, नील का उपहार है इजिप्ट. ये कौन कहा? हेरोडोटस. हेरोडोटस कौन है? ही इज अ ग्रीक हिस्टोरियन. हेरोडोटस एड्रेस्ड अ पर्टिकुलर प्लेस एज गिफ्ट ऑफ नील. विच वॉज डैट प्लेस? इजिप्ट. 18 का सही ऑप्शन है ए. हेरोडोटस ने एक विशेष स्थान को गिफ्ट ऑफ नाइल के रूप में संबोधित किया, वो कौन सी जगह है? वो है मिस्र. 18 का है सही ऑप्शन ए. वॉट वॉज द किंग ऑफ इजिप्ट नोन एज? मिस्र के राजा को किस नाम से जाना जाता है? फैरो. फैरो के नाम से जाना जाता है, फैरो. अब जरा ध्यान से बात सुनिए, ये है फैरो, मिस्र के राजा, किंग ऑफ इजिप्ट. अब देखिए, शुरू में देखा गया था, आप भारत में देखेंगे कि जो आपका एंशियंट इजिप्ट है, प्राचीन मिस्र, बहुत सारे कबीले, जनजातीय समूह में वो विभाजित था, मीन्स द पीपल वर डिवाइडेड इनटू वेरियस ट्राइब्स. और इस जनजातीय समूह का, इस ट्राइबल्स का मुखिया को हम लोग कहते थे नोम्स. द ट्राइबल चिफ्टन्स वर नोन एज नोम्स. और बाद में ये जनजातीय समूह दो भाग में बट गया, दो राज्य में बट गया, दो किंगडम्स में बट गया. लेकिन बाद के इतिहास में हम लोग को मालूम चलता है कि पूरा इजिप्ट जो है एकीकृत हो गया, इट गॉट इंटीग्रेटेड इनटू वन, इट गॉट यूनाइटेड, एंड द किंग वाज नोन एज फैरो. फैरो जो है कई निरंकुश राजा के रूप में, एब्सोल्यूट मोनार्क के रूप में इनको देखा जाता था, और कहा जाता था कि ये सन गॉड के, सन गॉड जो सूर्य भगवान
इनके पूर्वज हैं, दे वर नोन एज डिसेंडेंट्स ऑफ सन गॉड। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब फैरो? दे वर एब्सोल्यूट मोनार्क, यस। दे वर डिसेंडेंट ऑफ द सन गॉड, यस। दे वर दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड द पीपल। सही आंसर डी। फैरो को वर्णन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? वो पूर्ण सम्राट थे, यस। सूर्यदेव का वंशज लोग उनको समझते थे और देवता और लोगों के बीच में ये मध्यस्थ का काम करते थे। सभी विकल्प 20 का है सही ऑप्शन डी। 20 का है सही ऑप्शन डी। सभी विकल्प ऑल द ऑप्शंस। सभी विकल्प ऑल द ऑप्शन। फैरो बहुत ही आराम से रहते थे, सारी विलासता की वस्तुओं को इस्तेमाल करते थे। द फैरोज यूज टू लिव इन ग्रेट लग्जरी। ही वॉज द चीफ जस्टिस, वो मुख्य न्यायाधीश थे इजिप्ट समाज के, मुख्य पुरोहित, चीफ प्रिस्ट, चीफ कमांडर, मुख्य सेनानायक। और उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं को ममी के रूप में रखा जाता था। बहुत सारे इजिप्शियन राजाओं का नाम है हमारे पास, लेकिन जो सबसे प्रचलित हुए उनमें से एक थे ठट मोसेल प्रथम वन एंड ठट मोसे थ्री। ठट मोसे थ्री को नेपोलियन ऑफ इजिप्ट बोला जाता था। ही वॉज नोन एज नेपोलियन ऑफ इजिप्ट, मिश्र के नेपोलियन थट मोसे थ्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? द फैरोज लिव्ड इन ग्रेट लग्जरी। द फैरोज वेर द चीफ जस्टिस, चीफ प्रीस्ट एंड चीफ कमांडर। आफ्टर हिज डेथ द फैरोज बॉडीज वॉज प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ मॉमी। डी ऑल द ऑप्शंस। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फैरो महान विलासता में रहते थे, ये सही है। फैरो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य पुजारी और मुख्य कमांडर सेनानायक थे। उनकी मृत्यु के बाद फैरो के शरीर को ममी के रूप में संरक्षित किया जाता था, सही। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 22, Who among the following was known as Napoleon of Egypt? निम्नलिखित में से किसे मिस्र का नेपोलियन कहा जाता था? थुटमोस तृतीय, थुटमोस थ्री। 22 का सही ऑप्शन है ए। 23, Which among the following were the three classes of the Egyptian society? जो मिस्र समाज था तीन वर्ग में विभाजित थे। एक थे अभिजात वर्ग, एरिस्टोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी। एक थे मध्यम वर्ग, द मिडिल क्लास। और सबसे निचले पायदान पे थे, ऑन द लोएस्ट लैडर वर द स्लेव्स, दास। तो 23 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 24, द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज थॉट टू बी यूनिक। इसलिए क्योंकि वुमेन यूज टू प्रैक्टिस मोनोगेमी, है ना, वो एक ही शादी कर सकती थी। और शादी भी जो ट्राइब्स के, कम्युनिटीज के, सोसाइटी के मापदंड के अनुसार। सो द वुमेन प्रैक्टिस मोनोगेमी, द वुमेन प्रैक्टिस एंडोगेमी। एकरसता के कारण महिलाओं की स्थिति अद्वितीय थी। सगोत्र विवाह, गोत्र के अंदर ही उनको विवाह करना था। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज यूनिक? बिकॉज दे प्रैक्टिस मोनोगेमी, दे प्रैक्टिस एंडोगेमी। बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। सी, महिलाओं की स्थिति अद्वित क्यों थी? एक सरता के कारण, सगोत्र विवाह के कारण। तो सी दोनों एक और दो सही है। 24 का सही ऑप्शन है सी। 24 का सही ऑप्शन है सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इजिप्शियन सोसाइटी अबाउट 5000 इयर्स अगो, 5000 साल पहले मिश्र के समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था आपका एग्रीकल्चर, कृषि। और कृषि में इतना ज्यादा ये लोग अनाज और खाद्यान्न उगाते थे कि ऐसे लोग को भी सपोर्ट करते थे जो किसी कार्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे। मीन्स एग्रीकल्चर वो सच इन अ प्रॉस्परस स्टेट दैट दीज विलेजर्स दे सपोर्टेड पीपल हु वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इसके कारण शहर का उदय हुआ, राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स टू प्लेस। और शहर में ऐसे लोग रहने लगे जो धातु या मेटल पे काम करते थे, शिप बिल्डिंग, जहाज का निर्माण करते थे, नील नदी के कारण एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात करते थे। तो एक अर्बन सिविलाइजेशन का विकास हुआ। सो बेसिकली when the village starts supporting surplus people, in fact when they have surplus grains and food grains, then only urban civilization can take place. क्योंकि शहर के लोग कृषि पर आधारित नहीं होते। आज भी अर्बन सेंटर का, टाउन्स का डेफिनेशन, परिभाषा भी उसी पे है कि जहाँ पे लोग कृषि कार्य पर आधारित ना हो वही आपका शहर है। सो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इजिप्शियन सोसाइटी वॉज एग्रीकल्चर एंड दिस एग्रीकल्चर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस लाइक मेटलर्जी, शिप बिल्डिंग, ट्रेड, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग। सो 25 का सही ऑप्शन है ए। द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25 इज ए। चलिए ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, अगले में हम लोग आगे का सेक्शन देखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।